हेलो है नमस्ते दोस्तों, मैं सूरज कुमार वर्मा आपका फिर से स्वागत करता हूँ एक और नए फ्रेश वीडियो में। और अभी हम हैं पता नहीं कौन से रास्ते पे। एक्चुअली सुबह ऐसा हुआ कि हम हो गए थे काम से बहुत बोर और थोड़ा सा एडवेंचर चाहिए रहता है हर किसी को आजकल। तो मैंने फ़ोन किया अपने दोस्त को और बोला कि भाई चलते हैं। अब प्लान बना है जाने का, लेकिन पता नहीं है कि जाना कहाँ है। और बस अभी ये जो जैकेट देख रहे हो, ये हाल ही में मैंने लिया था और इसका भी वीडियो मैं नहीं बनाया अनबॉक्सिंग का। और तो दोस्तों चलते हैं और जो जो होता दिखाते रहेंगे आपको। घूम रहा भाई गलत जा रहे हैं। गुरुंडिया कौन सा रोड जाता है? गलत जा रहे, देख तो ठीक जा रहे। गुरुंडिया कौन सा रोड जाता है? गुरुंडिया कौन सा रोड जाएगा? सामने ने गूगल दिखाया भाई, घूम जा बोल के देख ले क्या दिखा रहा है। देख गुरुंडिया रोड इधर किधर दिखा रहा है, देख तेरे सामने दिखा रहा है, क्या करें। देख एक बार अच्छा से देख, ठीक तो जा रहा है लोग, उस टाइम घूम रहा था लोग। बीच में से कर खड़ा करेंगे, फिर वो बाइक रखना और वाला फोटो लेंगे। कहाँ अंदर जाएगा? चले कहाँ वो इंस्टाग्राम गाड़ी रख देंगे नहीं चल, नहीं गाड़ी से आएगा।
गाइस हम लोग जा रहे थे गुदगुदा वाटरफॉल, लेकिन एक नया वाटरफॉल सुना बादलगिरी, जो कि पहले सुना नहीं था, तो डिसाइड किया कि हम लोग गुदगुदा ना जा करके बादलगिरी जाएंगे। और मतलब यहाँ का जो नज़ारा है यार, हम लोग पूरा जंगल होकर के हैं, अभी भी पूरा जंगल ही है चारों तरफ। और लकीली कुछ लोग मिल गए, कुछ भैया लोग आगे जा रहे हैं, तो आपको आवाज़ आ रहा होगा वाटरफॉल का, पानी का आवाज़ आ रहा होगा। ये रास्ता पूरा पथरीला है और पूरे जंगल के बीचों बीच में और वो नीचे वाटरफॉल पानी। ओए 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 ओए, आराम से आराम से आराम से, यहाँ गिरे तो हड्डियां भी नहीं बचेगी भाई, स्लिपरी है रास्ता, इसलिए पत्थर पे पांव जमा करके चलो। यहाँ कभी आओ मानसून के टाइम पे तो पत्थरों पे पैर जमा करके चलना, और शूज भी ऐसा पहनना जिसमें अच्छी खासी ग्रिपिंग आपको मिले। वो नीचे वाटरफॉल, अरे वाह, ओ डैम, चल तो आगे चल। वो झंडा वहां पे, कौन लोग आराम से, और ये वो और ये पहाड़ी का नाम है बादलगिरी और ये वाटरफॉल। वाओ, सो गाइस फाइनली वी आर एट बादलगिरी वाटरफॉल, बड़ा ही खूबसूरत। और हम लोग अभी विश्वास नहीं करोगे, हम लोग पूरे जंगल के बीचों बीच में, पूरे बीचों बीच में। और ये जगह हाल ही में डिस्कवर हुआ है और उतना ज़्यादा फेमस नहीं है, लेकिन अब फेमस धीरे धीरे हो रहा है और लोगों को इसके बारे में पता चल रहा है, वैसे वैसे लोग आ रहे हैं यहाँ पे। नज़ारा बहुत ही सुंदर, चल निकल। हम लोग का एडवेंचर यहाँ पे आके ख़त्म होता है और अभी लंच का वक्त भी हो गया और यहाँ पे जंगल पे खाने वाने को कुछ मिलेगा नहीं, तो हमने ये डिसाइड किया कि हम अभी निकलेंगे घर और रास्ते में जो भी छोटा मोटा होटल मिलेगा वहाँ पे हम लोग कर लेंगे थोड़ा सा नाश्ता और निकल जाएंगे सीधे घर की ओर।
क्योंकि फिलहाल हम लोग जंगल में, और यूजुअली यहाँ के लोग क्या है कि अकेले नहीं आते जंगलों में, और हम लोग और अपन लोग क्या है कि अपन लोग को शहरों का शोरगुल से ज़्यादा अच्छा पहाड़ पर्वत ही लगते हैं, तो इस वजह से अपन लोग जब भी वक्त मिलता है आ जाते हैं यहाँ पे। तो अभी और चढ़ना है, हालत अभी से राम टैन देख रहे हो फेस पे, टैन आ गया बहुत सारा। तो मिलते हैं अब ऊपर में जाकर के आपसे। हाँ तो फाइनली हम लोग वहाँ से निकला है, लूसिफर बीच है और जैकेट में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी, तो जैकेट खोल के अभी उतार के 5 मिनट रेस्ट करेंगे उसके बाद निकलेंगे। और यहाँ पे जो रास्ते हैं भाई, जो हमने चढ़ान चढ़ी है मतलब यूं सांप के जैसा, अभी उतरना भी वैसे ही है सांप के जैसा, और उतरने में ज़्यादा तकलीफ नहीं होने वाली, फ्यूल भी बचेगा क्योंकि पूरा रास्ता जो है ढलान है, तो आराम से इजीली हम लोग चले जाएंगे। और प्यास बहुत लगी है और जंगल में कहीं पानी नहीं है, तो आप लोग जब कभी भी आओ तो साथ में सारा इंतज़ाम लेके आओ, वरना यहाँ पे आके आप फंस जाओगे। दूर दूर तक आपको कोई दुकानें नहीं मिलने वाली, पीने का पानी नहीं मिलने वाला, खाने के लिए एक अन्न का दाना नहीं मिलेगा भाइयों। तो जब भी आओ पूरा सामान अपना ले करके आओ, बस यही बोलूँगा। और यहाँ से अब निकलते हैं। ये जगह मिस कर दिया था मैंने, वो तो इतनी खूबसूरत वादियाँ हैं यहाँ पे जंगल के बीचों बीच में ना यार, बता नहीं सकता। और एक छोटा सा गांव है डाउन साइड में, और पता नहीं कौन सा गांव है। हम लोग भी यहाँ जितने भी यहाँ पे बुजुर्ग आदमी हैं उनसे पूछते गए थे, और जगह बहुत ही शानदार जगह थी। और अबे यार जगह देख लो यार, ये भी जन्नत से कम नहीं है। एनीवेज यहाँ पे थोड़ा फ़ोटो खिंचाएंगे, और फ़ोटो आपको देखने मिलेगी इंस्टाग्राम पे, अगर फॉलो नहीं किए हो तो जा करके अभी के अभी फॉलो करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है और स्क्रीन पे भी आ रहा होगा, जा करके फॉलो करो जल्दी से भाइयों। बस अभी मिलते हैं सीधा कोई अच्छे से ढाबे या फिर छोटी सी दुकान, कोई अच्छे से दुकान या फिर छोटे से ढाबे पे जाके हम लोग थोड़ा कुछ खा लेंगे यार, भूख बहुत जोर की लगी हुई है। बारिश हो गई चालू, और फिर से अभी सुजीत पहनेगा अपना रेनकोट, सॉरी मेरा रेनकोट। अगली बार से पूरा जुगाड़ लेके आना। और अभी हम लोग जस्ट आ रहे थे जंगल से, और एक बहुत बड़ा सा सांप रोड क्रॉस किया, हालत खराब हो गई थी। अरे भाई टोपी डाले नहीं रे, भूल गई पागल, छोड़ो अतरंगी है अपना यार। सो दोस्तों फाइनली आज का जो राइड यहीं पे ख़त्म हो गया, मैं आ गया हूँ घर, और घर पे आते ही मम्मी के हाथों का खाना, पराठे सब्जी और ये हार्ट वाले चिप्स हार्ट शेप के, तो अभी जल्दी पहले इसको करते हैं इंजॉय, और आप लोगों से लेते हैं अलविदा, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड सी यू देन दोस्तों।